आप क्या आप ही सेइंग द ऑपोजिट आई वाज डाइंग टू वर्क विद हिम एंड इट इज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ दैट आई हैव गॉटन सो प्लीज डोंट से दैट I think I've told in many instances. It's come out well. It's all about gold mining. It's a fictional story. It's not just about action. There is a lot of sentiment and it's a very unique story. That's all I can say right now. You would have seen the trailer, so you guys would have got a brief idea about it. कर रही हूँ ओके कर रहे हैं जी तो ये गाना क्या है और आपका कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा क्लब वगैरह जैसा लग रहा है उसके बारे में आई एम श्योर इट्स अ सिचुएशनल सॉन्ग एंड वी आर रिक्रिएटिंग गली गली में फिरता है व्हिच हैपेंस टू मी माइन एंड मोस्ट पीपल्स मोस्ट फेवरेट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स And Ganesh Masterji is choreographing it. It and he is also it's his movie, so it couldn't have been better than that for me. And the steps are really nice. The song is really groovy. So I'm hoping and praying and keeping my fingers crossed that it does really well. That's what. इस movie के कुछ shorts वगैरह या trailer वगैरह. बहुत अच्छे लगे मुझे दोनों trailer देखे मैंने और एक तो इतना larger than life लग रहा है and at the same time. It seems that the story is there is a certain mystery to it, which people will understand. I'm sure when they go to the theaters and watch the movie, and it looks brilliant. And I wish him and the entire team all the very best. मैंने आपने gold film दी और ये film में और इस वक्त कपड़े भी आपने gold दिए जी अब मैं क्या बताऊँ कि शायद gold के साथ कुछ तो relationship है मेरा यश आपका क्या कहना है लाइक उन्होंने जो film की थी Bollywood में I'm sure he hasn't seen it. so he's just going to be embarrassed now. No, see, I think it's her day. She's doing all the hard work. I'm just going there, you know, and enjoying the view. Yeah, I'm running around. आप लोगों का साथ में कोई डांस या अच्छा वगैरह? हाँ, अभी मास्टर कुछ प्लान किए, so I have to just see because we have just started, so it all depends on how master wants to shoot it. But I think she's doing a fabulous job. I just saw a few clips. And she's looking stunning, so that's very nice. Back to back, you're doing a film also now. Gold की अभी ये film में भी आप dance कर रहे हैं. किस तरह का आप देख रहे हैं TV से लगातार popularity आपको? देखिए मुझे ना काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे एक्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है काम काम होता है एंड आई एम अ वेरी प्राउड टीवी एक्टर इट इज़ गिविन मी एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे सो फिल्म्स आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिकॉज इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ एंड I want to give it my all and let's see what happens. अरे, the man of the hour is here. Master is here. Sorry, he was saying something. अरे हम इतना promotion मेरा career में नहीं किया जिंदगी में नहीं किया जितना अब हो रहा है so we are not used to उतना promotion करके उतना We don't do such in such scale, but I'm enjoying it. So all of you are really supporting us, and I can see in all the channels you've been promoting our film. So I have to be thankful to all of you. So मजा आ रहा है. कल प्रभास के साथ कोई आपको देखा गया था तो क्या प्रभास भी इस फिल्म में हमें कई गाने या तो नो 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 बट बस ऐसे ही डिनर पे गए थे यार बस और कुछ नहीं. तो आप तो पर्सनली बॉलीवुड से किसी का कोई कॉल या ऐसा कुछ अभी तक नहीं 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 आया सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का डांस होने वाला है किस तरीके का ये सॉन्ग होने ये त्रिदेव का पुराना गाना है गली गली में और बहुत ही कमाल का रिमिक्स किया तलिश ने और ये फिल्म का मैंने जब ट्रेलर दिखाया था मुझे इन्होंने तो मैं बहुत ही एक्साइट था ये फर्स्ट टाइम वो इस तरह की डिफरेंट फिल्म आ रही है और यश उसमें बहुत ही कमाल का दिख रहा था और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था यार अगेन कोई यंगरी मैन इज कमिंग बॉलीवुड तो बहुत ही कमाल गाना जो है
ये डिफरेंट है और फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि मौनी कर रही है गाना, तो मैं बहुत एक्साइट था कि मुझे इसके साथ गाना करना था। आप क्या आप ही सेइंग द ऑपोजिट, आई वाज डाइंग टू वर्क विद हिम एंड इट इज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ दैट आई हैव गॉटन, सो प्लीज डोंट से दैट, बट आई एम हम्बल्ड। क्योंकि गोल्ड में हम लोगों ने गाना किया था, वो फिल्म में रहा नहीं, तो मुझे ऐसा था कि गाना इनके साथ में करूँ। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बहुत मेहनत की, रिहर्सल की, और यकीन माने कि ये फर्स्ट डे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत बीमार थी, बुखार में था, इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट गाना होगा ये इस फिल्म का कि मेरे आफ्टर चिकनी चमली शूट दिस सॉन्ग। ज़्यादा मुश्किल है ना चाहना यश को यहाँ पे मौका। यश इसमें डांस नहीं है, मैं बस चल पैदल चल। सर एक क्वेश्चन मेरी साइड से, सर आपने ऑलरेडी यू आर अ कोरियोग्राफर ओके एंड आप पहले ऑलरेडी काला चश्मा पे आप कोरियोग्राफी कर चुके हैं। काला चश्मा मेरा नहीं था, चिकनी चमेली, चिकनी चमेली था। सर आप इसका इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मौनी के साथ मुझे फर्स्ट टाइम हम लोग गाना कर रहे हैं और बहुत ही हार्ड वर्क किया है और एक्सेल फिल्म में प्रमोट कर रही है, इसको प्रेजेंट कर रही है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा फील है जैसे बाहुबली एक वक्त पे आई थी और वैसे ये फिल्म KGF को प्रमोट कर रहा है बहुत वैसे, और जिस तरह से मैंने फिल्म को शूट करते हुए देखा है एंड इवन आई एम वर्किंग विथ द DOP भुवन सेम फिल्म, सो मतलब इतना उन लोग में ये है फिल्म को लेके और गाने को लेके, तो बहुत ही एक्साइट हूँ ये फिल्म कब आएगी, कब हमारा गाना आएगा और इस तरह की फिल्म चलेगी। मानी ये एक आइकॉनिक सॉन्ग था उस दौर के लिए, जो जी इस तरह का प्रेशर था कुछ कि ऑडियंस ना पसंद करे करेगी और इनको क्या मैं इनको भी सबको कह रहा था कि उस वक्त में ग्रुप में ये गाना मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ तो मुझे खुद को बहुत टेंशन है, तो हम लोगों ने बहुत फोकस किया रिहर्सल पे, कॉस्ट्यूम पे, डिजाइन पे बहुत मेहनत की है, इवन मौने ने बहुत मेहनत की है और प्रोडक्शन ने बहुत मेहनत की है, जो चाहिए वो दिया है। अरे मैं तो हजार बार बोल चुका हूँ, उसी उससे कुछ नहीं होता है, हर हर इंडस्ट्री में एक दो फिल्म के लिए जगह रहती है हर वीक, और उसके ऊपर क्या है ना, एक फिल्म अच्छी चलेगी तो लोगों को और एक फिल्म मार्केट पे है तो उसको भी देखेंगे, वो अच्छे मूड में रहते हैं। अगर एक फिल्म अच्छी नहीं लगी फिर भी जाके दूसरा फिल्म देखते हैं अगर उसके बारे में अच्छी टॉक हो, क्योंकि उस बैड एंगल से आना चाहते हैं, सो इट मींस देयर इज स्कोप फॉर 2 or 3 फिल्म्स इन एवरी मार्केट, सो इट शुडंट डिस्टर्ब एंड इट्स ओके यार। कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे डेट के लिए कॉम्पिटिशन तो रहेगा। गणेश सर आपने ऐसा भी बताया कि मौनी के साथ आपने गोल्ड में एक सॉन्ग शूट किया था जो आया नहीं, उसके बारे में अगर कुछ डिटेल बताया। वो फिल्म में मतलब गाना बहुत अच्छा था लेकिन वो शायद कहानी वाइज जा नहीं रहा था, वो स्टोरी वाइज जा नहीं रहा था और उन्होंने लंदन में शूट किया था, तो बस वो एक अफसोस था कि मैंने इनके साथ इतना अच्छा गाना किया था तो पूरी भड़ास मैंने इस गाने में निकाली। दैट्स गुड फॉर अस। आपको बता दूँ इतने सुंदर सुंदर स्टेप्स है, इतनी प्यारी कोरियोग्राफी है, एवरीथिंग इज सो न्यू एंड सो लाइक ही इज अ पोएट, ही ट्रीट्स हिज कोरियोग्राफी लाइक अ पेंटिंग, सो दैट्स हाउ ही थिंक्स अबाउट हिज शॉट्स एंड हिज स्टेप्स, सो ही इज अ जीनियस एंड आई एम द लकीएस्ट पर्सन राइट नाउ टू बी वर्किंग विद हिम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रहा है, साउथ की फिल्में की रीमेक बन रही है बॉलीवुड में, आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक दैट थिंग इज़ गॉन नाउ, रीजनल फिल्म या बॉलीवुड फिल्म ऐसे कुछ नहीं है, ये इंडियन फिल्म है, कहीं से भी बनाओ आप एक फिल्म अच्छी है तो सब देखते हैं एंड आर इंटेंशन इज़ टू रीच टू ऑल ऑफ द हिंदी ऑडियंस, वाइडर ऑडियंस, सो उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रीजनल है या बॉलीवुड है, बॉलीवुड हो गया, सो इट्स ऑल आउटडेटेड थिंग। वो अभी वो रहा ही नहीं, आप अगर ये फिल्म देखोगे तो मैं तो बॉलीवुड के, मैं तो हॉलीवुड के साथ इसकी टक्कर हुआ, दैट मच स्केल एंड उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट किया हुआ, सिनेमा बहुत अच्छा है, वो अभी रीजनल फिल्म का कुछ रहा नहीं है सब। इसके अलावा सर सुभाष भाई को क्लीन चीट मिल गई है नीतू मूवी, हाँ मेरे को शॉट रेडी है, मैं जाके आता हूँ। थैंक यू। यही कहूँगी हीरो के साथ आ रही है,
दोनों फिल्मों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. मेड इट्स वी आर अ कंट्री ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, सो आई एम श्योर एंड देयर आर इनफ थिएटर्स, सो प्लीज गो एंड वॉच बोथ द फिल्म्स. But more people watch and go and watch this film. And there's a fabulous number and he has done a fabulous job and the film looks great. So please, I would request all my fans to go and come and give us some love. Thank you. Same here. See, it is not जैसे कन्नड़ मूवी से उपेंद्र थे, मतलब ऑल ओवर मार्केटिंग अभी चल रहा था, तो उनके बाद आपका भी यश का तो मार्केटिंग चल रहा है इंटरनेशनल लेवल में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मेरा मार्केटिंग नहीं चल रहा है. मेरा मार्केटिंग चलाना होता तो कब का चला लेता. सो इट इज अबाउट फिल्म. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म, दैट्स द रीजन. प्रमोशन जब हम इस मार्केट पे आए तो प्रमोट करना चाहिए, लोगों को पहुँचाना चाहिए. एंड इट इज़ नॉट नाइस टू कंपेयर. ठीक है, एक बार दो बार बोला अभी हर इसमें इफ आई स्टार्ट टेकिंग जीरोस नेम, बिकॉज आई एम अ शाहरुख खान फैन. अगर ऐसे बताता जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो लेट्स लीव इट. आई थिंक आई हैव आंसर्ड इनफ ऑफ टाइम्स. सो 21st है, देखेंगे. आप भी देखिए, ट्रेलर पसंद आई है तो फिल्म देखिए. सपोर्ट अस, दैट्स ऑल. मैंने इस सीजन एक भी एपिसोड नहीं देखा और कोई रीजन नहीं है, बस टाइम नहीं मिला. और प्लीज होप एंड प्रे दैट मुझे ऐसे टाइम ना मिले घर पे बैठ के शो देखने के लिए. थैंक यू. आई एम अ ह्यूज ह्यूज सलमान खान फैन, बट दिस टाइम आई रियली डिडंट हैव द टाइम टू वॉच इट, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट वॉच्ड इट. दिवाली तो हो गया ना. ओके, हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर एंड अ ग्रेट ईयर अहेड. थैंक यू. थैंक यू सो मच.